नमस्कार अते सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी तुहाडा अपने चैनल विच। अज दी वीडियो विच आपां गल करांगे जी रीट दे पेपर बारे। जिवें कि तुहानू पता ही जी किहड़ा रीट दा पेपर आ ओह अप्रैल च होणागा, ते उस दे संबंध नाल असीं अपने चैनल ते तुहानू 2011 जिहड़ा क्वेश्चन पेपर सीगा, पुराने क्वेश्चन सी 2011 जिहड़ा क्वेश्चन पुछया गया सी, ओह सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज सी, ते क्वेश्चन कराए सी तुहानू 2011 दे, ते उस तों नैक्सट वीडियो च कराए सी जी 2012 च जिहड़ा क्वेश्चन पेपर सी जी, उस च पंजाबी दे जिहड़े क्वेश्चन आए सीगे वह करवाए थे जी, पंजाबी जो क्वेश्चन आए थे पंजाबी लैंगुएज के। तो अज की वीडियो आप गल करेंगे कि जो 2015 एग्जाम हुआ जी रीट का, उस पंजाबी के क्वेश्चन किहड़े आए थे। कुछ कैंडिडेट्स ने पंजाबी लैंग्वेज फर्स्ट चूज की थी, कुछ ने की सैकेंड चूज की। तो तुम दसदा जी मैं चाहे तुम लैंग्वेज चूज कर लो फस्ट, चाहे कर लो सैकेंड, तो जो मटीरियल आ सिलेबस आ जरा जी वो 80% सेम रहेगा, मतलब 80% क्वेश्चन जो सेम ही आने। तो इसलिए आप दोनों जोड़े चाहे तुम फस्ट चूज करो चाहे तुम करो सैकेंड चूज, तो दोनों के 30-30 क्वेश्चन मिला के टोटल बन गए जी 60 क्वेश्चन बन गए। तो 60 क्वेश्चन इस पूरी वीडियो करावे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखो। तो ये क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन ने जो आने वाला पेपर अपना रीट का उस बहुत जरूरी ने, तो इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखो। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लियो, तो ही बैल आइकन प्रेस कर लियो, तो कि वीडियो नोटिफिकेशन जी सब तो पहला मिल सके। तो चलो जी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अज का वीडियो। तो देखो जी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, कि जिहड़ा पंजाबी का पहला क्वेश्चन सी वो की पूछा इस पेपर च। तो देखो जी फस्ट क्वेश्चन जी अपना, पंजाबी भाषा में सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गगे पैर बिंदी, जजे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी धुनियाँ किस भाषा के प्रभाव अधीन आईया हैं? तो किस भाषा के प्रभाव अधीन आईया हैं? इस जिहड़ा राइट आंसर हो जी अपना हो जी सी ऑप्शन, ये फारसी भाषा के अधीन आईया हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर अपना सैकेंड, पंजाबी भाषा की लिपि केड़ी है? पंजाबी भाषा की लिपि केड़ी है? नॉर्मल क्वेश्चन से जी, केड़ी है जी? गुरमुखी, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड जी, पंजाबी विच अनुनासिक व्यंजन किन्ने हैं? तो अनुनासिक व्यंजन किन्ने हैं जी? ये जो 2011 के क्वेश्चन पेपर से अपना पंजाबी का जी, उस भी क्वेश्चन 2011 भी पूछा गया जी, तो हूँ 2015 के क्वेश्चन पेपर फिर पूछा गया। तो इसका राइट आंसर की हो जी अपना वो होगा सी ऑप्शन जी, पंजाबी अनुनासिक व्यंजन किन्ने जी? पंज। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 34 जी, होठ धुनियाँ केड़ियाँ हैं? होठ धुनियाँ मतलब जी बुल होंगे जोड़े अपने जी, वो पूछा कि जो तो बुल आपस जुड़न वो धुनियाँ केड़ियाँ ने, तो वह कि डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जी, पप्पा पप्पा बब्बा पप्पा, डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 जी अपना, हेठ लिखियां विचों केड़ा स्त्री लिंग मनुखी संबंधां नाल वाला नहीं है? हेठ लिखियां विचों केड़ा स्त्री लिंग मनुखी संबंधां नाल वाला नहीं है? तो मनुखी संबंधां वाला केड़ा नहीं है जी? तो भूआ भी हैगा जी अपना, ताई भी हैगा जी, चाची भी संबंधां होती है, जिहड़ी पक्षी चीज़ है जी यह जिहड़ा मनुखी संबंध नाल संबंध नहीं रखती, डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 36 जी अपना, हेठ लिखियां विचों केड़ा शब्द अगेतर लगा के नहीं बनया? अगेतर लगा के नहीं बनया, नहीं पूछा जी इतने कि नहीं बनया। तो देखो जी, अद प्लस रंग यह बनेगा, अन प्लस आदर, अन प्लस आदर की बनेगा जी? अनादर, यह भी बनया जी। ए प्लस जित अजित, यह भी बनया जी। अदी प्लस आपक, तुम सुनया कदे अदी शब्द सुनया? तो इसका राइट आंसर हो जी वो कि अपना बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 37 जी अपना, किस शब्द नाल पिछेत्र नहीं लग्या होया? किस शब्द नाल पिछेत्र नहीं लग्या होया? तो देखो जी, इतने खट्टा प्लस आस खटास होगा जी, मिठा प्लस आस, निक्का प्लस आस, तुम बिका शब्द सुना जी कदे? तो जो सार्थक शब्द होंगे जी उन्होंने ही जो अगेत्र पिछेत्र लग जाते हैं, तो इसका भी की हो जी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 38 अपना जी, हेठ लिखियां विचों केड़ा उस्तत शब्द का समानार्थी नहीं? उस्तत शब्द है जी, वह समानार्थ शब्द नहीं है इन्हों, तो इसका राइट आंसर हो जी अपना वह होगा डी ऑप्शन जी, सतिकार, ये समानार्थी शब्द नहीं है जी, कहदा नहीं है जी, उस्तत का जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर अपना 39 जी, आस्तक का विरोधी शब्द केड़ा है? आस्तक का विरोधी शब्द केड़ा है? तो आस्तक का की हो जी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, नास्तक। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 40 अपना,
हेठ लिखे वाक्यों में किहड़ा शब्द बहुअर्थी है? तो दो वाक दिए गए जी, देखो जी, खूह का पानी उतर गया, खूह का पानी उतर गया। सैकंड गल की गई जी, खूह उत्तर विच है। तो इतने उतरन तो भाव है जी कि बंदा जिहड़ी डूंगी जगह जा रहा, मतलब थले उतर रहा धरती, बंदा नहीं उतरिया, सॉरी, खूह का पानी उतर गया, मतलब जो पानी है खूह का वह थले चला गया, डूंगा चला गया, पानी थले उतर गया। तो इतने खूह उत्तर विच है, तो इतने उत्तर की है जी, इतने उत्तर एक दिशा। तो किहड़ा शब्द बहुअर्थ शब्द होगा जी? तो जो उत्तर शब्द है जी अपना बी ऑप्शन, अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जू टी बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 41 जी, जिस लेखक वालों अपनी जीवनी लिखी गई हो उस पुस्तक नूं की कहा जाता है? जिस लेखक वालों अपनी जीवनी लिखी गई हो उस पुस्तक नूं की कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जी स्वै जीवनी, मतलब स्वै मतलब खुद जी, संभ्या जीवन, मतलब वह अपने जीवन बारे। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, मोहन लाल पढ़ रहा है, मोहन लाल पढ़ रहा है, वाक विच मोहन लाल केड़ा नाम है? मोहन लाल, मोहन किसे बंदे का नाम है जी? तो एक जो अपना जी नॉर्मली पता सबू की खास नाम, बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 43 जी अपना, जिहड़े मेहनत करते हैं वो सफल होंगे, जिहड़े मेहनत करते हैं वो सफल होंगे। इस वाक विच हेठ लिखे विचों संबंधवाचक पड़नाम केड़ा है? तो जिहड़ा दोनों संबंध स्थापित करता जी। जे आप इस तरह पढ़िए देखो जी, मेहनत करते हैं वो सफल होंगे, तो कोई तुक नहीं बनता जी, कोई मतलब वाक सही नहीं बनता, मेहनत करते हैं वह सफल होंगे। तो जिहड़ा जिहड़े शब्द जी, जिहड़े मेहनत करते हैं वह सफल होंगे, तो जिहड़ा जिहड़े शब्द आ इह की है जी, एक जो अपना वाचक का संबंध का वाचक जो अपना जी उसका काम कर रहा है, मतलब जोड़न का काम कर रहा है संबंध वाचक का। तो ये ऑप्शन की हो जी बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 44 जी अपना, मेरे कोल 15 पुस्तक हैं, इस वाक विच किहड़े विशेषण की वरतों की गई है? तो देखो जी, इतने गिनती की गल होगी जी, 15 मतलब गिनती होगी जी, तो जिथे गिनती होगी अपना जी संख्यावाचक विशेषण, बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 45 जी, जिस शब्द तो क्रिया के होने के समय का पता लगे, जिस शब्द तो क्रिया के होने के समय का पता लगे उसनू किहड़ा क्रिया विशेषण किया जाता है? तेने अपन जो इस चीज़ गल क्लीयर करती जी कि समय का पता लगे, समाकित किस चो जी काल च, मतलब अपना पास्ट से प्रेजेंट है या फ्यूचर आ, समा उसी उ हों। तो इस तरह राइट आंसर की हो जी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी, कालवाचक। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 46 अपना जी, प्रकाश सिंह के घर की हालत बहुत खराब है पर उसने दिल नहीं छड़िया, इस वाक विच केड़ा शब्द योजक है? तो इन दोनों शब्दों आपस जुड़ता जी कि उसने दिल नहीं छड़िया, तो प्रकाश सिंह के घर की हालत बहुत खराब है, तो इस कि पर शब्द है जी इन्होंने दोनों जोड़ रहा, तो एक ही हो जी इसका योजक शब्द हो जू। तो इसका राइट आंसर की है जी अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 47 जी, उसने मैनु गाल कढ़ी तो मैं उसनू कुटिया, मतलब दो वाक इस जुड़े हुए जी, तो एक किस किस्म का वाक है जी? तो यह सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी, ये कहड़ा जी संयुक्त वाक जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 48 जी, श्रेणी विच किन्ने विद्यार्थी हैं, ये किस किस्म का वाक है? तो इतों पता चल रहा जी क्वेश्चन मार्क लगे हुआ, तो इसका राइट आंसर की जी बी ऑप्शन, प्रश्नवाचक वाक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर अपना 49, आहा मतलब आहा जिवें आप कहने वाह, तो आहा असी क्रिकेट का मैच जित गए, इस वाक विच आहा नाल किहड़ा चिन्ह वरत्या गया है? तो जो अपना आह शब्द है जी, इस नाल जो चिन्ह है जी अपना आ वाला चिन्ह होंगे जी, इसनू की कहा जाता जी? तो इसनू कहा जाता जी बिस्मिक चिन्ह, बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 50 जी अपना, जदों किसी शब्द के अक्षर संखेप विच लिखे जाण, जदों किसी शब्द के अक्षर संखेप विच लिखे जाण तां किस चिन्ह की वरतों की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जी अपना वो हो जूगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी दुबिंदी जी।
नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, अपना क्वेश्चन नंबर 51 जी, अपनी पैरी आप डैश 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 मारना मुहावरा किहड़े शब्द नाल पूरा किया जा सकता है। ये तो सबनों पता जी कि अपनी पैरी आप कुहाड़ा मारना एक मुहावरा, तो इस तरह इतने जो फिल किया जाऊगा आंसर की होगी अपना कुहाड़ा। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, इट चुकदे नू डैश 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 सॉरी इट चुकदे नू डैश 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 चुकना मुहावरा हेठ लिखे वाक्यों विचों किहड़े शब्द नाल पूरा किया जा सकता है। तो यह भी तुहानू सबनू पता जी कि पत्थर दा इसका आंसर आऊगा, क्योंकि आपां कहिंदे ने कि इट चुकदे नू पत्थर तैयार जां इट चुकदे नू पत्थर चुकना। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 53 जी अपना, जिहड़ा व्यक्ति आप काम कर ना सके पर दोष किसी होर नू देवे अजिहे व्यक्ति लई किहड़ा अखाण ढुकवा है। तो इस तरह राइट आंसर आई सी ऑप्शन है जी अपना, उठ्या ना जाए आप तो फिटे मूँह गोड्या दे, मतलब काम आप नहीं करना जी तो दोष किसी होर नू दे जाना। नैक्सट क्वेश्चन है जी, जिहड़ा व्यक्ति लापरवाही नाल जिंदगी कट्टे, मतलब जिन्हों किसी की कोई टेंशन नहीं किसी की कोई चीज़ की फिक्र नहीं लापरवाही नाल जिंदगी कट्टे अजिहे व्यक्ति लई किहड़ा अखाण ढुकवा है। तो इस तरह राइट आंसर है जी अपना वो होगा ए ऑप्शन जी, कोई मरे कोई जीवे सुथरा घोल पतासे पीवे, मतलब कोई मरे चाहे जीवे उन्हों कोई फर्क नहीं पैन वाला। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 55 जी, निजी चिट्ठी लिखने वेले हेठ लिखे बिचों केड़ा संबोधनी शब्द नहीं वरत्या जाता। तो इस पहले सब तो पहला गौर कर लो जी कि निजी कह रहा, मतलब अपने जिहड़े रिलेटिव ने उन्होंने लिखण संबंधी किहड़े जिहड़े शब्द आ जिहड़ा संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। जेकर आप अपने रिश्तेदार जां किसी करीबी नूं लिखते हैं तो उस आप श्रीमान जी या श्रीमती जी नहीं लिखते, तो नहीं पूछा कि नहीं लिखते, तो यह राइट आंसर की जी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 56 जी, सरकारी चिट्ठी के अंत में हेठ लिखे विचों किहड़े शब्द नहीं लिखे जाते, सरकारी चिट्ठी जी किहड़े शब्द नहीं लिखे जाते। तो देखो जी, आप जी का विश्वास पत्र लिखा जाता जी, आप जी का आज्ञाकारी भी लिखा जाता जी, आप जी का हितू ये भी लिखा जाता जी, तो आप जी का प्यारा ये शब्द जरा नहीं लिखा जाता जी, ये वाक नहीं लिखा जाता। तो इस तरह राइट आंसर जो कि जी बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, क्वेश्चन नंबर 57 जी, विज्ञापन किसनों संबोधन किया जाता है, विज्ञापन किसनों संबोधन किया जाता जी। तो इस तरह राइट आंसर है जी अपना वह जो डी ऑप्शन जी, जिस किसी संबोधित होवे सॉरी जिस किसी नाल संबोधित हो नाल शब्द आज इतना जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी अपना, क्वेश्चन नंबर 58 जी, 58 लिए अपन करना जी जो अपना पूरा पैराग्राफ है इसमें पढ़ना पेगा, तो मैं पैराग्राफ पढ़ चुका जो तुम भी पढ़ लो इसमें वीडियो में करो पाउज जी करके वीडियो पाउज तो पूरा पैराग्राफ पढ़ो तो उस बाद देखो क्वेश्चन, तो मैं तो पढ़ चुका जी तो आप क्वेश्चन ही कर लें सीधा तो वीडियो रोक के पैराग्राफ पढ़ लो। तो देखो जी, उपरोक्त पैरे का हेठ लिखा विचों किहड़ा सिरलेख ढुकवा है, तो किहड़ा सिरलेख ढुकवा जी इसका इसका जो राइट आंसर जी वह मनुख की होंगे, क्योंकि जो तुम पैराग्राफ पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जूगा कि यदा लिए सिरलेख कि ढुकवा वा। नैक्सट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 59 जी अपना, कन्नी कतराउना मुहावरे दे की अर्थ है, तो कन्नी कतराउना जी मुहावरे का की अर्थ है, इसका राइट आंसर जी वह जो बी ऑप्शन जी अपना, जिम्मेदारी तो भजना। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, क्वेश्चन नंबर 60 जी, संकटग्रस्त शब्द के की अर्थ हैं, संकटग्रस्त शब्द के की अर्थ हैं। तो इस जरा राइट आंसर है जी वो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, दुखा विच घिरिया। तो देखो जी, आप जी जिन्हें लैंग्वेज फस्ट चूज की पंजाबी वो 30 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो हूँ 30 क्वेश्चन आप करा जिन्हें लैंगुएज सैकेंड पंजाबी चूज की, तो तुम दसदा मैं जी कि चाहे तुम चूज करो फस्ट लैंगुएज पंजाबी चाहे करो तुम सैकेंड लैंगुएज चूज पंजाबी, क्वेश्चन तुहाडे जिहड़े 80% आ वह मैच करनगे जी, 80% क्वेश्चन है जी वह मैच करनगे। इस लिए चाहे तुम लैंगुएज फस्ट चूज की चाहे सैकंड चूज की आ, मैं तुहाडे यही कहना चाहूँगा कि तुम सारे सारे क्वेश्चन देखियो, क्योंकि आने वाले पेपर के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो जी, आप जो फस्ट 30 क्वेश्चन उन्होंने गल कर चुके हैं, हम जो सैकंड लैंगुएज 30 क्वेश्चन ने पंजाबी आप उन्होंने गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, क्वेश्चन 61 जी अपना, भाषा कितों ग्रहण की जाती है, तो भाषा कितों ग्रहण की जाती है, ये सबनों पता जी समाज विचों, ये ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन जी अपना, क्वेश्चन नंबर 12 जी, पंजाबी भाषा दियाँ दंती धुनियाँ कड़िया हैं, दंती धुनियाँ कड़ी होंगे जी जिदे अपनी जीव आ जी ये दंदा टच करे, तो
ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੋਊ ਇਸ ਲਈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਧੱਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63 ਜੀ ਉਹ ਵਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਨਿਕਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਵਰ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64 ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਗਲ 'ਚ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੀ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਜੀ ਬਚਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਪੰਗਲਸ 'ਚ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇਤਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਰਪਵਾਨ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 68 ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਔਖ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਖ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋਜੂਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਔਖ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੌਖ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੌਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜੀ ਉਲਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸੌਖ ਦਾ ਸੋਰੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਔਖਾ ਜੀ ਔਖ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਸੌਖ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 69 ਜੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਈ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਓ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਗਈ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 71 ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਗੇਤੀ ਜੀ ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛੇਤੀ ਜੀ ਜੇ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਗੇਤੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 72 ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋਜੂਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਆਮ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਨਾਮ ਆ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 73 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਜੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੋਜੂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 76 ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਲੀਆਂ ਮਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75 ਜੀ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
उस नूं केड़ा क्रिया विशेषण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जी अपना डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है जी प्रकारवाचक जी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी अपना क्वेश्चन नंबर 76 जी है किन्ना, सॉरी दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता जी, है कहा जिहा नवा प्रिंट है, मतलब प्रशंसा हो रही है सर सीधी गल तुम्हें किसी चीज़ की वड्याई हो रही है जी, है कि जिहा नवा प्रिंट है मुड़ मुड़ के देखने दिल करता है, इस वाक विच विस्मिक चिन्ह किस भाव के प्रगटावे बहुत ढुकमा है? तो इन्हें कहा जी कि जिहड़ा विस्मिक चिन्ह का प्रयोग किया गया जी, जिहड़ा विस्मिक चिन्ह है जी एक किस दे प्रगटावे सब तो ज़्यादा जिहड़ा ढुकमा बनता, तो इस तरह जी हाय शब्द तो मतलब प्रशंसा हो रही है उस चीज़ की जी, जब वड्याई हो रही है उस चीज़ की उन्होंने की कहा जी अपना कि हाय शब्द है जी इतने कह रही कि नवा प्रिंट मतलब कहोजा नवा प्रिंट है मुड़ मुड़ के देखने दिल करता, मतलब वो वड्याई हो रही है उस चीज़ की, तो यह राइट आंसर है कि है जी डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 77 जी, असी राजस्थान नूं प्यार करते हाँ ये वाक तो इस गल की हाँ असी प्यार करते हाँ, तो इस जो राइट आंसर हो जी कि जी ये ऑप्शन जी हाँ वाचक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी भारत खुश है कि उसने क्रिकेट मैच जित लिया, भारत खुश है कि उसने क्रिकेट मैच जित लिया ये किस किस्म का वाक है? तो इस राइट आंसर है जी वो जो है बी ऑप्शन मिश्रित वाक जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी साड़ी रिहायश शहर विच है, साड़ी रिहायश शहर विच मतलब असं शहर विच रहिंदे हाँ, इस वाक विच किहड़ा विश्राम चिन्ह वरत्या गया है? तो इस वरत्या गया जी छुट मरूड़ी जिहड़ा विश्राम चिन्ह वह वरत्या गया, इसका राइट आंसर है जी वो जो अपना डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 80 जी, जदों किसी की कही हुई गल नूं हू बहू लिखा जाए तो किहड़े चिन्ह की वरतों होंदी है? तो किहड़े चिन्ह की वरतों होंदी है जी, ये 2011 के क्वेश्चन पेपर भी आया सी हुण फिर रिपीट हो रहा जी देख लो, पुठे कौमां दी जी, जदों कोई भी व्यक्ति गल करता जी किसी महान या प्रसिद्ध बंदे द्वारा कोई गल्लां कहियां जांदियां ने जेकर उसनूं लिखना होवे जी तो आप जो पुठे कौमां होंदे जी उस उन्हां दा प्रयोग करके उन्हां विच जिहड़ी लाइन होंदी आ उह लिखदे हुंदे आ। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 81 जी, जदों कोई व्यक्ति मौत दे नेड़े हुंदा है उस स्थिति नूं दर्शाउण लई किहड़ा मुहावरा ढुकमा है? तो इस दा राइट आंसर जी बी ऑप्शन जी कवर किनारे होना। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 82 जी, जदों कोई दूजे नूं हराउंदा है, जदों कोई दूजे नूं हराउंदा है तो उस स्थिति नूं दर्शाउण लई किहड़ा मुहावरा ढुकमा है? तो इस दा राइट आंसर जी वो हो जूगा जी अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी दंद खट्टे करना। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 83 जी, कीड़ी दे घर नारायण आए अखाण कदों वरत्या जाता है? तो कदों वरत्या जाता जी, तो इस दा राइट आंसर है जी वो जी बी ऑप्शन जी किसी बड़े आदमी नूं उस दे निरपाई सुभा लई, तो जो कोई आपको चंगा आदमी मिले जो कोई वधिया बंदा मिले जी आप कह दें जी कि अज तो दर्शन हो गए, मतलब भी अज तो दर्शन हो गए बहुत बड़ी गल है साडे लई, तां उस दा जिहड़ा सुभाव जी जां उस दा निरभाव मतलब उस दा सुभाव उस बंदे दा तां उस दे सुभाव नूं देखदे होए आपां कुछ गल्लां कह दिंदे आं, तां जां आपां कोई कह दईए अपने घर काफ़ी टाइम बाद आया होवे तां आपां उस नूं कहिंदे जी कीड़ी दे घर नारायण आए, मतलब साडे गरीबां दे घर तुहाडे वर्गे महान बंदे आए। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 84 जी, दीवे थले हनेरा अखाण संबंधी किहड़ा अर्थ ढुकमा है? तो इस तरह राइट आंसर है जी वो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी, जदों मालक की हाजिरी में नौकर बेईमानी करे अते मालक नूं पता भी ना लगे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, निजी चिट्ठी लिखण समय अंत विच किहड़ा शब्द नहीं वरत्या जा लिखा नहीं लिखा जाता? तो इस उस पुछा सी किहड़ा नहीं लिखा जाता निजी चिट्ठी लिखण वेले, उस अपना जिहड़ा लैंग्वेज फस्ट चूज की जी उस भी क्वेश्चन से हुण सैकंड च भी यही क्वेश्चन सेम आ रहा, तो देखो जी इसका राइट आंसर क्यों जी आप जी का सपुत्र, ये जो आप खुद अपने रिश्तेदार या घर परिवार लिखता चिट्ठी ये लिख सकते हैं शब्द आप जी वाक लिख सकते हैं, आप जी का निक्का वीर ये भी आप लिख सकते हैं जी, तो हाँ अपना ये भी आप लिख सकते हैं जी, आप जी का विश्वास पत्र ये की करते हैं जी सरकारी काम काज होंगे जी उन्होंने जो चिट्ठी पत्र लिखे जाते हैं उन्होंने लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर है जी अपना क्यों जी डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी क्वेश्चन नंबर 86 जी, ओपरे पुरश नूं मतलब जिन्होंने आप जानते नहीं जी सरकारी चिट्ठी लिखने समय किहड़ा संबोधनी शब्द लिखा जाता है? तो इन्हें कहा जी पहला गल तो जी कि ओपरे मतलब प्राय आप जानते नहीं उसनों जी, तो सैकंड गल की जी कि सरकारी चिट्ठी है जी मतलब सरकारी बंदे लिख रहे सरकारी मुलाजमन लिख रहे आप,
सरकारी मुलाजम लिखांगे आपां तां उत्थे किस किस चीज़ की गल होगी जी, उत्थे होगी जी श्रीमान जी की, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 87 जी, हेठ लिखियां विच्चों चिट्ठी का केड़ा संबोधन ठीक नहीं है, तो केड़ा संबोधन ठीक नहीं है जी, पिता जी नूं पूजनीक पिता जी लिख सकते हैं आपां, ये तो अपना होगा सही जी, वड्डे भरा नूं मानयोग वीर जी ये भी आपां लिख सकते हैं जी, किसी सरकारी अफसर नूं श्रीमान जी ये भी आपां लिख सकते हैं, आपां पुरले क्वेश्चन गल की है, तो मित्र नूं श्रीमान जी, आप जेकर तुहाडा कोई दोस्त आ उसनूं आपां श्रीमान जी कदे नहीं लिखते, तो इसका राइट आंसर है जी अपना सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 88 जी, तुहाडा टाइम तो नहीं खराब करते, तो 88 नंबर क्वेश्चन की करना जी, ये पैराग्राफ तुसीं पढ़ना जी पूरा चंगी तरह जी, ज़्यादा टाइम तुहानूं नहीं लगता जी, अद्धा मिनट तो एक मिनट 30 सैकेंड तो एक मिनट के इस पैरे को पढ़ लो चंगी तरह, तो उस तो बाद इस संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया जी, उपरोक्त पेरे पैरे लिए हेठ लिखियां विच्चों केड़ा सिरलेख ढुकवां है, तो इसका राइट आंसर है जी वह जो अपना बी ऑप्शन जी, कब्जे की भावना, तो मैं तो पहला ही पढ़ चुका जी पैराग्राफ, जो तुम पहला वीडियो रोक लियो पैराग्राफ पढ़ लियो फिर अगे इसका क्वेश्चन करो। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 79 जी, मखौटा पहनन दे केड़े अर्थ ढुकवे हैं, मखौटा पहनन दे केड़े अर्थ ढुकवे हैं, तो इसका राइट आंसर है जी, ये सब नूं पता ही है जी, असलियत नूं लुकाउणा, उन्हें कहते उहदे चिर ते मखौटा पाया हुआ यार, तो मखौटा पाया मतलब असलियत गल उह बंदा लुका जांदा मतलब छुपा लैंदा, तो इसका राइट आंसर की है जी, असलियत नूं लुकाउणा, ये ऑप्शन इहदा बिल्कुल राइट आंसर है जी। इस तरह आप गल करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन की अपने जी, लास्ट क्वेश्चन गल करन तो पहला तुहानूं मैं कहूँगा जी कि जेकर अजे तक वीडियो लाइक नहीं कीती वीडियो लाइक जरूर कर दिओ, तो उन्हां कैंडिडेट्स नाल वीडियो जरूर शेयर कर दिओ जी जो रीट का एग्जाम देने वाले ने, तो जिन्हां ने पंजाबी लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जी वीडियो है जरूरी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन है जिहड़े इस दे संबंध नाल ही दुबारा फिर पूछे जाएंगे। तो चलो जी नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं आप, कैंडिडेट्स नूं रिक्वेस्ट करूँगा जी जेकर तुहानूं ये PDF चाहिए है तो नीचे कमेंट कर दिओ जी, जेकर तुहानूं PDF चाहिए हुई तो कमेंट कर दिओ, जेकर तुसीं कमेंट किया जी तो मैं तुहानूं ये PDF अपने टैलीग्राम चैनल है जी उस ते तुहानूं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टैलीग्राम चैनल का लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन मिल जूगा, तो जेकर PDF चाहिए हुई तो कमेंट कर दिओ, जेकर किसी का कमेंट आया भी PDF चाहिए है तो मैं टैलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो देखो जी अपना नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 90 जी, दोगली नीति तो की अर्थ हैं, दोगली नीति तो की अर्थ हैं, तो इसका राइट आंसर जो वो क्यों जी अपना जी, इस जी अपनी दोहरी नीति होनी मतलब दो तरह नीति होनी, राइट आंसर की जी अपना डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जी। तो ये जी वो क्वेश्चन जिहड़े 2015 के एग्जाम में रीट च पूछे गए थे, 2015 का एग्जाम हुआ सी जी, तो एग्जाम करता सी रीट का, तो अज आप किए पूरे 60 क्वेश्चन, तो 2011 तो 2012 के जो क्वेश्चन है जी आप पहला वीडियो कर चुके हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट मिल जूगा, तो तुम जाके जरूर देखो जी, वह 60 क्वेश्चन 60 60 120 60 180 टोटल 180 क्वेश्चन हो गए जी। तो आप नैक्सट वीडियो गल करेंगे कि 2017 से जोड़े क्वेश्चन आए थे पंजाबी के वो कि सन वो डिस्कस कराएं थोड़े नाल जी कल की वीडियो। तो चलो जी इन गलों तो विदा लेंगे हाँ, जो वीडियो चंकी लगी तो वीडियो लाइक करके जरूर जाए जी, तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो जी, धन्यवाद जी।